الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغابين मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, तेरा कब्जा उन पर नहीं होगा। हाँ, वो जो तेरी पैरवी करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, बगावत का और मेरे साथ सरकशी का रास्ता इख्तियार करने वाले, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए है। दुरूद व सलाम उसके आखिरी नबी सैयद वल्द आदम खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की जात गिरामी पर। रमज़ानुल मुबारक का महीना
आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पहला अशरा गुजर चुका है, दूसरे अशरे में हम दाखिल हैं और अगले जुमे से पहले यानी इसी हफ्ता में आखिरी अशरा भी शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें अपने अपने वक्त पर आती हैं और इस वक्त को चलाने वाले मालिक के हुक्म के तहत गुजरती जाती। इन गुजरते लम्हात से फ़ायदा उठाना, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानकर इस सेहत और फरागत से इस्तेफादा करते हुए पूरे ज़ौक और शौक के साथ सुलूक और मदारज को तय करते हुए आगे बढ़ना, ये मोमिन का शेवा होता है। नेकी का मौका मिल जाना अल्लाह की मेहरबानियों और अनायात और नवाजशों का हिस्सा है। ये कोई बंदे का कमाल नहीं है, ये महज तौफीक इलाही है। अगर अल्लाह इस तौफीक से हाथ खींच ले तो जितनी भी बंदा कोशिश करता रहे उसके साथ मुकाबला करते हुए किसी नेक काम में आगे बढ़ना वो महाल ही नहीं है, नामुमकिन हो जाता है। मुसलमान और मोमिन बंदा हर हाल के अंदर मुतलाशी होता है उस रास्ते का कि जिस पर चलकर वो अपनी मंजिल को पाले, वो हकीकत के करीब हो जाए, वो अपने और अपने रब के दरमियान तमाम रुकावटों और हिजाबात को दूर कर ले, कुर्ब हासिल कर सके, उन लोगों में शामिल हो जाए जिनको अल्लाह ताला अपने बंदे शुमार करता। ये जो आयत मैंने सूरह हिज्र की पढ़ी है, शैतान के साथ और उसके सामने मोहलत देने के बाद जब उसने ये कहा कि इस मोहलत से मैं फायदा उठाऊंगा, मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, लउज़य्यिनन्नलहुम फिल अर्दि वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं तेरे बंदों को जिस हद तक हो सके तमाम के तमाम लोगों को उस रास्ते पर चलाऊंगा कि जिस रास्ते पर चलते हुए वो मेरे साथ आखिरी कार जो है वो ठिकाने के तौर पर जहन्नम का हिस्सा बन जाए। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे मानने में इखलास रखते होंगे, दावा नहीं करते होंगे, हर वक्त इस फिक्र में होंगे कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो रहा है या मेरी किसी हरकत की वजह से उसमें कमजोरी वाकया हो रही है। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, इस इखलास के रास्ते पर चलते हुए वो जो तेरे बंदे बन जाएंगे उन पर फिर मेरा बस नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाया हाजा सिरातुन अलैय मुस्तकीम, हां मैंने अपने ऊपर जिस रास्ते को इस्तकामत वाला रास्ता करार देकर जो है वो इख्तियार करने का हुक्म दिया है और उस पर चलने के लिए लोगों को कहा है, वो यही रास्ता है, तेरी मुखालिफत का रास्ता है और मेरी बंदगी का रास्ता है, मेरे कुर्ब के हुसूल का जरिया है। उस जिम्न में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फिर नतीजा के तौर पर यह बात बयान करता है कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये तो शैतान और तुम्हारा दुश्मन भी मान गया है कि जो इखलास पैदा करके बंदगी के अंदर आगे बढ़ेगा फिर उस पर शैतान का जोर भी नहीं चल सकेगा। और ये महीना जिसमें सुफ्फिदत शयातीन व मरदतिल जिन व तुगलकु फीही अबवाबुल जहीन, अल्लाह वो कुव्वतें जो शर की तरफ लेकर जाती हैं उन शैतानों को, उन सरदारों को जकड़ कर जंजीरें पहना देता है कि मेरे बंदों के लिए तुम्हारा मुकाबला करना आसान हो जाए। ये महज अल्लाह की मेहरबानी है। और फिर नतीजा के तौर पर और ठिकाने के एतबार से वो शैतान जिस तरफ लेकर जाता है, अल्लाह फरमाता है तुग़लकु फीही अबवाबुल जहीम, मैं तो इसके अंदर इस माह में उस जहन्नम के दरवाजों को मसदूद करके मुकफल कर देता हूं, वो तो बंद हो जाते हैं। अफसोस की बात है कि शैतान के इस रमजान से पहले किए हुए आमाल, उसकी कोशिशें, उसकी हरकत अगर
बंदे का साथ रमजान में भी नहीं छोड़ती तो फिर बंदे को नजरसानी करनी चाहिए कि मेरा ताल्लुक शैतान से ज्यादा है या रहमान से ज्यादा। ये कोई जज्बातीयत नहीं है, ये वो हकायक है जिस पर मोमिन को खड़ा होना चाहिए, ईमान का जायजा लेना चाहिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात तैयार की थी वो अपनी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये महसूस करते कि अगर एक बंदा किसी कारोबार पर गया है तो अपने दूसरे साथी से कहते हैं अल्लाह के रसूल की मजलिस इख्तियार करना, दीन और ईमान की बातें जो हैं वो सुनते रहना ताकि हम बाद में तुझसे सुन सके। वक्फ कर देते थे, रात को घर वापस आते अपनी मसरूफियात से तो सारे दिन का हिसाब ही नहीं करते रहते थे, बल्कि ये कहते थे कि आओ जायजा ले लें कि हमारे ईमान की ताजगी जो है उसका हाल क्या है, उसमें कोई इजाफा हुआ है या खुदा न खास्ता उस ताजगी के अंदर जो है वो बोसीदगी पैदा होगी, वो ईमान ताजा है भी नहीं, आओ हम ईमान का जायजा ले लें। सही बुखारी के अंदर आता है कि सहाबी मुआज़ इब्ने जबल वगैरह दूसरे साथी को ले जाते कि जरा बैठ कर सोच तो लें सारे दिन के अंदर कमाई क्या की है, अल्लाह के लिए क्या किया है और अपनी खातिर क्या कुछ करते रहे। ये फिक्र, ये नेकी की तलब, ये अल्लाह वालों का शेवा होता है। ये है वो बंदे जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि शैतान का जोर इन पर फिर नहीं चलता, फिर मैं इनके हाथ बन जाता हूं, मैं इनके पांव बन जाता हूं, फिर इनकी चलत फिरत वो मेरे हुक्म के ताबे होती है, फिर वो बगावत का रास्ता सोच भी नहीं सकते, वो तो फिर मेरे हो जाते हैं, मैं उनको फिर अपना ही कहता हूं। और दुई को खत्म करते हुए उसके हाथ को अपना हाथ करार दे दिया, उसके पांव को जो है उसके मुतालिक कहा वो चलता है, यूं ना समझो कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है, नहीं, उसने तो अपनी सारी मर्जियां मेरे हुक्म के ताबे कर दी। रमजान का महीना आता है, ये सारे साल के अंदर तजदीद का महीना है, ये बंदे की इह्या का महीना है। और फिर इस महीने के अंदर भी कुछ ऐसे दिन होते हैं कि दीगर दिनों के मुकाबला के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके उनके फजाइल और बरकात को मजीद बढ़ाकर बयान कर दिया है। वो है आखिरी अशरा, वो है रमजान के आखिरी दिन, जब रमजान रुख्सत हो रहा होता है अल्लाह ताला उन दिनों को पहलों के मुकाबला के अंदर ज्यादा कीमती बना देता है। भटका हुआ राही शायद अब आ जाए, रहमत जो है वो जोश में आती है और बढ़ जाती है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मेरे शोहर इस कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर दखल अल आश, जब आखिरी अशरा दाखिल होता शब्द भी इजरा हूं जब्दा व शब्दन भी इजर, तजदीद करते थे, कोशिश करके आगे बढ़ते थे, रस्मी बातें नहीं है, महज जो है वो सुनने सुनाने की हद तक नहीं है, अमल के लिए उभारते, खुद भी कोशिश करते, नमूना बनकर दिखाते वो शख्स जिसके गुनाहों को अल्लाह ताला ने इसी दुनिया के अंदर खत्म कर दिया, कलम फेर दिया है, गफर अल्लाह लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिहि व मा ताख़र, वो तो गुनाहों से पाक हस्ती, मगर अल्लाह की बंदगी के अंदर जब ये रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता शद्दम इजरहू अहया लैलहू अयकदा लहू, फिर खुद सिर्फ अपने आप को शबे जिंदादार न बनाते, रातों को बेदार न होते, शब बेदारी न करते। रमजान के अलावा जनाब आयशा कहती है मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि किसी रात सारी रात नहीं जागते थे, मगर रमजान में तो खुद भी जागते, अपने अहलोया कई कजा अहलहू घर वालों से कहते इस गफलत की जिंदगी से बेदार हो जाओ, ये कीमती दिन जो है वो तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, पता नहीं बाद में नसीब होंगे या नहीं होंगे, इसका तो किसी को पता नहीं, इसलिए कि इस अशरे के अंदर एक रात ऐसी आती है जिस रात की वजह से अल्लाह ने इस सारे अशरे को मुजयन कर दिया, इसकी शान बढ़ा दी है, और इसके मुताबिक पूरी आयत सूरत नाजिल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कहा इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, और फिर मुखातब जो है वो हुज़ूर को किया और क्या अंदाज इख्तियार किया है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या मालूम
यानी जिनको सब कुछ मालूम करवाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ने बताया, उनसे खिताब करके कहा तुम्हें क्या मालूम वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ये शब्बे कदर क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसमें आने वाली बरकात और रहमतें क्या है। लैलतुल कद्री जाहिर के एतबार से बता दिया। मैं तुम्हें एक सादी सी बात बताता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए अल्लाह फरमाता है रहती दुनिया तक जब तक ये जहान कायम रहेगा ये अल्फाज कायम रहेंगे, जब ये जहान का अल्लाह ताला खात्मा करना चाहेगा फिर अल्लाह ताला ये खैर बरकत जो है वो इनका भी खात्मा कर देगा। तो फरमाया लैलतुल कद्र जिंदगी के अंदर आने वाला आखिरी अशरा और इसकी एक रात खैर मिन अल्फ शहर, वो एक रात नहीं है बल्कि वो ऐसी रात है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के हुजूर एक रात को वक्फ कर दे बंदगी के लिए मुख्तस कर ले सिर्फ एक रात को, खैर मिन अल्फ शहर, तो वो यूं समझ ले कि उसने अपनी जिंदगी के 83 साल से ज्यादा का अरसा अल्लाह की बंदगी में गुजार दिया। खैर मिन अल्फ शहर, किसकी जिंदगी 83 साल होती है, बहुत कम है। इस उम्मत की जिंदगियां तो 60-70 के दरमियान है। अल्लाह फरमाता है लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, ये तो हजारों महीने, हजार महीने खैर मिन अल्फ शहर, वो हजार महीने 83 साल बनता है। ये तो जाहिरी हिसाब है। तनज्जलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इसकी अजमत में आगे फरमाया बिलखुसूस अल्लाह की एक मखलूक है जो उसने अपने पास रखी हुई है और वो उसके अहकामात को लेकर वक्तन फोक्तन इस दुनिया में आते हैं, मगर जब ये रात आती है सिर्फ वही नहीं अल्लाह के फरिश्ते ही नहीं उनका सरदार रूहुल कुदुस अपनी जमात की सरबराही करते हुए आसमान से इस जमीन पर उतर आता है। तनज्जलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, साल भर के जितने भी मामलात हैं उनके फैसलों की घड़ी इसी रात के अंदर जो है वो आती है। इसी रात में अल्लाह ताला हर मामले को जो है वो अपने इस दुनिया में होने वाले मामलात को फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। किसने इस जहान में बाकी रहना है, किसने आना है, क्या करना है, सब कुछ इस रात के अंदर अल्लाह लिख देता है। मिन कुल्ली अम्र, और फिर फरमाया सलाम, बस यही समझ लो अब अल्फाज जो है वो अल्लाह के हो तो इससे बड़ी जाम वरीयत और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाता है ऐसी रात है सलाम हिया हत्ता मतला इल फज्र, इसके आवाज से लेकर इसके इख्तिताम तक सारी रात जो है वो सलामती ही सलामती रहती है, शर नाम की कोई चीज नहीं होती, खैर और खैर ही होती, खैर के मुतलाशी शर से दूर रहने वाले सलाम हिया हत्ता मतला इल फज्र। ये जिंदगी में बहारें तुम्हारे आ गई हैं, हफ्ता शुरू होने वाला है, अगला जिसमें याशा जो है वो शुरू होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद बेदार रहते अपने घर वालों को बेदार करते, मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मेरे अहलोयाल क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रातें कैसे गुजरती हैं, मेरी बीवी जो है वो रात के अंदर उसकी मसरूफियात क्या होती हैं, अल्लाह ने मुझे जो है वो जिम्मेदार बनाया है, मुझसे पूछना है। इस दुनिया के उसूल के लिए बच्चों को हम अपने से जुदा करते हैं, पता नहीं कहां रहते हैं वो, लेकिन बाखबर करना चाहिए उनको कि हम जिम्मेदार हैं, निगेबान हैं तुम पर, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में हमसे पूछना है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले याल का ख्याल करते हुए कुरानी आयत की तामील में या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, इस जहन्नम से खलासी और निजात के लिए अपने घर वालों को बेदार करते थे, अपनी अजवाज को जो है वो उठाते थे, कजा लहु सोई न रहो, जिस तरह आम दिनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घबरा कर उठे, फजीआ के लफ्ज आते हैं, इस तई कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फजीआ, अचानक उठे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हो गया अल्लाह के रसूल को, फरमाने लगे सुभान अल्लाह, अगर कोई ऐब है तो वो हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर है, अल्लाह की जात इससे पाक है। माजा उनजिल लैलत मिनल फितन, रात जो है वो कितने फितने उतार दिए गए, माजा उनजिल मिनल खजाइन, अल्लाह ताला ने कितने खजाने नाजिल कर दिए हैं, जब खजाने आते हैं आजमाइशें बढ़ती हैं, इसलिए फरमाया ऐसी जिंदगी के अंदर जब नेमतें जो है वो बढ़ जाए, आजमाइशें सख्त हो जाए,
कौन सी चीज इंसान को जो है वो महफूज रखती है और बचाती है? मैं यू की जो सवाहिबल हुजरात, ये हुजरों के अंदर पड़ी हुई जो है इनको कौन बेदार करेगा? लिखई युसलीना, उठे अल्लाह के हजूर सजदे करें। क्यों? वरना रुख काशियतिन आरियत काशियतिन फिर दुनिया आरियत उन फिर आखिरा, दुनिया में बहुत सी ऐसी हैं जिनको लिबास दिया होगा, वो पोशाक और हुल्ले और लिबास खूबसूरत पहने हुए होंगे इस दुनिया में, मगर जब आखिरत में घड़ी अल्लाह के सामने हशर का मैदान होगा, यही लिबास वाली औरतें नंग तिरंग खड़ी होंगी, आरियत उन फिर आखिरा, कोई लिबास उनको नहीं दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उस वक्त के लिबास को तैयार करना है, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कौन उनको बेदार करे, उठ जाए और फिर आखिरी अशरा में आई कजा लहु, बेदार करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रहमतें और नवाजशें इस कदर है कि अगर उनको बंदा समझ ले तो हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए यह रात पाना कोई मुश्किल नहीं होती। अल्लाह वाले तो यहां तक कहते हैं, हजरत ज़िर बिन हुबैश कहते हैं कि मैंने जनाब उबै इब्ने काब से कहा कि तुम्हारा भाई इब्ने मसूद तो ये कहता है मैं यकुमिल हौला युसिब लैलतल कद्र, ये ढूंढने की क्या जरूरत है, मोमिन का काम ही ये है कि जब रात का आखिरी पहर हो बिस्तर छोड़ दे, अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाए, और जो सारी रात जो है वो सारा साल जो है वो रातों को बेदार होगा, लैलतुल कद्र यकीनन पा लेगा, उसके हिसाब में फर्क आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो तो सारी सारा साल जो है वो रात को उठता है। मैं यकुमुल हौला युसिब लैलतुल कद्र, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शौक और जोक को बढ़ाते हुए कहा, रमजान का महीना हो, खुद जब तक अल्लाह ने नहीं बताया तो सही रिवायत बुखारी और मुस्लिम में आता है, इत्तकफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अशर अल अव्वल थुम्मा अल अशर अल औसत मिन रमजान, अल्लाह के नबी ने रमजान के पहले अशरा के अंदर एतकाफ कर लिया, फिर दूसरे में एतकाफ किया। एतकाफ क्या है? अपने आप को दुनिया से अलग करके अल्लाह के लिए इतना खालिस कर लेना कि मैं अपनी सारी दुनिया और जहान जो है वो इस चबूतरे के अंदर इन चार कपड़ों के अंदर मुनहसर कर रहा हूं, मेरी सारी दुनिया वो सिर्फ यही एक चबूतरा है, यही एक खैमा है और कोई जिंदगी नहीं है मेरी, या अल्लाह मैं हूं या तू हूं, तू है यानी इसी खैमा के अंदर तेरे हुजूर ये बंदा खड़ा है, मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, घर वालों को खैर बात कह दिया है वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन यहां आ गया हूं, खैमा लगा लिया है मैंने, अगरचे ये फर्ज नहीं है, आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं खैमों की जरूरत नहीं है, इनसे अगर इत्तेनाब किया जाए, मगर रात को तलाश करने के लिए एतकाफ तो करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इहतमाम किया, कितनी कीमती रात होगी कि जब पता नहीं है, पहला अशरा भी इतकाफ में गुजार दिया, दूसरा भी गुजार दिया, सुम्मा अतला रासहू, फिर अपने सर को बाहर निकालकर कहा मुझे बताया गया, फरिश्ता मेरे पास आया है कि इन्नहा फिल अशर अलआखिर, वो तो आखिरी अशरा में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ पहले इतकाफ करते रहे अब उनकी मर्जी है देख लो, मगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस रात की तलाश में पहले और दूसरे अशरा के साथ आखिरी अशरा में भी इतकाफ करूंगा, मुतकिफ होगा। आखिरी अशरा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतकाफ किया, और इस रात की तलाश और बरकात के हुसूल में अगर अल्लाह के नबी को सफर पर जाना पड़ता और इतकाफ ना कर सकते तो उसके कफारे के तौर पर अगले साल जो है या उसी साल अगले 10 दिनों में इतकाफ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई फर्ज नहीं था, मगर उसकी अहमियत ही इतनी है। वो मराकबे की एक ऐसी शक्ल है जिसके अंदर बंदे का नफ्स होता है और उसकी सांस का आना जाना, वो उसके दरमियान कोई हायल नहीं होता सिवाय अल्लाह की दा, अल्लाह अल्लाह जो है वो जुबान से अदा होता है, दिल से बात निकलती है। इन नाशियत अल्लैल ही अशद्दु वतन अक्वम मुकीला, घड़ी ही ऐसी होती है कि जब इंसान की जुबान से जो कुछ निकलता है दुरुस्त निकलता है, अक्वम मुकीला, और वो जो कुछ कहना चाहता है अल्लाह ताला उसको सुनने के लिए खुद आसमानी दुनिया पर आ जाता है। हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तरजिकिन, और तुम्हारी तलबें क्या है, तुम्हारी हाजात क्या है, मुझसे कुछ लेना चाहते हो कि नहीं, मैं तुम्हें देने के लिए आसमानी दुनिया पहले दुनिया तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गया, उस जहान में आ गया हूं,
कि जहां मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है वो जाहिरी फासला भी कम हो गया है, अब तो बेदार हो जाओ, अब तो उठ जाओ, अब तो गफलत से बेदार हो जाओ, अब तो शैतान के रास्ते को छोड़ दो, अब तो अपनी इस दुश्मनी को पक्का कर लो जो शैतान ने तुम्हारे साथ जो है वो बांध रखी है। वो इस मोहलत से जो है वो गाफिल नहीं होता, कोशिश करता है। अब अल्लाह के बंदे बनने के लिए, इस शैतान की ताबेदारी से दूर रहने के लिए ये रमजान का महीना और आखिरी अशरा तुम्हारे पास किस्मत में आ गया, ये मुकद्दर में लिख दिया है अल्लाह ताला ने, इससे इस्तेफादा करो, फायदा उठाओ 83-83 साल की इबादत का। तहर्रु लैलतुल कद्री फिल अशरिल अवाखिर मिन रमजान, हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस रात को तलाश करो, ये बहुत कीमती रात है। और जिस रात के अंदर कायनात के मालिक ने अपना कलाम नाजिल कर दिया और इसकी खैर और बरकात जो है उनके हुसूल के लिए लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे 10 पारे जो है वो चाहिए, इतने कुरान मजीद चाहिए, कुरान खानी करवाते रहो, नहीं, फरमाया इस रात की तलाश के बाद अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जुबान पर इन अल्फाज को लाओ, इसकी तिलावत बहुत लोग कमिनल किताबी वाकि मिसला, अल्लाह की वही को तिलावत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने घरों को कब्रस्तान बनाओ, न बनाओ कब्रस्तान, न बनाओ कब्रस्तानों में जाकर जो है वो तिलावत नहीं होती। आज कब्रस्तान आबाद है, वहां लोग जाते हैं, जब कोई उनका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है वो समझते हैं कि उसका हक है। तुम अपने हकूक को तो पहचानो, अल्लाह ने तुम्हारी क्या जिम्मेदारी लगाई थी उस पर तो तवज्जो करो। जब घर बेआबाद होते हैं, जब कुरान मजीद घरों में नहीं पढ़ा जाता, तो फिर बंदा जो है वो यही समझता है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं जहां कोई सुनने वाला नहीं है वहां जाकर पढ़ो। ये रस्में हैं जो हमने बना ली, तल्ख बात जरूर है, मगर मेरे भाइयों हकीकत क्या है? जिंदा इंसानों को बेदार करने के लिए, गफलत से जो है वो जगाने के लिए ये अल्लाह की किताब आई है। इस दुनिया में हुक्मरानी करने की इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताबी अक़वामन वयदऊ बिही आख़रीन, जो इससे रुकरदानी करता है या फिर उससे रुकरदानी कर लेती है, ये तो बड़ी कीमती कदर वाली चीज है, कदर वाली रात के अंदर आई है। जो इसकी कदर नहीं करती फिर ये उसका ख्याल नहीं करती। और जब अल्लाह और उसकी किताब मुंह मोड़ ले, मुंह फेर ले जब बंदे से, दुनिया में उसको कोई सहारा नहीं मिल सकता, वो फिर सवाए खुसरान घाटे के और कुछ इस दुनिया में कमा नहीं सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकता। उसकी कमाई, उसके अंदर बरकत जो है उनका खात्मा इसलिए हो जाता है कि उसने बरकत वाली किताब को छोड़ दिया, उससे नाता कायम नहीं रखा। इसलिए मेरे भाइयों, इस रात को, ये जो आने वाली रातें हैं, अगर फुर्सत मिले, फुर्सत से ये मुराद है कि अल्लाह ने तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां लगाई हैं, अब कोई और मेहनत नहीं है, सारी रात शायद तुम बेदार ना हो सको, अब कम अज कम आखिरी अशरा के अंदर मस्जिद में जो क़ियामुल लैल किया जाता है, इमाम एक सिपारा पढ़ता है, डेढ़ सिपारा पढ़ता है या सवा पढ़ता है, एक एक घंटे की इबादत होती है, और एक घंटा तो वक्फ कर लो आखिरी अशरा के अंदर। रात की नमाज, ईशा की नमाज बाजमात पढ़ो, साथ ही क़ियामुल लैल कर लो, और फिर अगली सुबह जो है वो भी बाजमात नमाज अदा कर लो। अल्लाह की मेहरबानी देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये काम करता है इमाम के साथ मिलकर क्याम करता है, यूं ही समझ ले जिस तरह सारी रात उसने क्याम कर लिया। रात को बेदार होना तो बहुत बड़ी बात है, कम अज कम इतना तो हो जाए। आज हम देखें कि कितने लोग हैं, एक अशरा गुजर गया, दूसरा जारी है, हमारा क्याम जो है उसकी आदत पड़ी है, कोई कोशिश की है? रमजान के बाद जो है क्या 2 रकतें भी हम पढ़ते हैं? इस रात के हवाला से सिर्फ 2 रकतें, कोई मुश्किल नहीं है। यहां अगर घंटा हम लगाते हैं तो बाद में 2 रकतों का इहतमाम करना, वितर पढ़ना, अल्लाह अल्लाह करना, इस एतबार से कि या अल्लाह मैं अपनी इबादतों को तेरी जैसी ताक बना रहा हूं, तू अकेला है, मैं अपनी इबादत को भी ताक कर रहा हूं। ईशा की जमात के साथ नमाज पढ़ता है, बाजमात नमाज पढ़ता है, सुबह का इहतमाम करता है, यही है दरअसल इस रमजान की बरकत, यही है इस रमजान के अंदर जो तरबियत अल्लाह और उसका रसूल करना चाहता है। तुम उस तरबियत को कबूल कर रहे हो या नहीं, जायजा ले लो। या अल्लाह के घर में बैठा हुआ हर बंदा, और दुनिया के हालात को देख लो, आज एक मुसीबत हम पर इस तरह नाजिल हो गई है कि हमारी तरक्कियां धरी की धरी रह गई। वो मुल्क जहां इस दुनिया के
سائنسدان، وہ جستجو کرنے والے ریسرچر، وہ کیا کچھ نہیں انہوں نے ایجاد کر لیا، مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کچھ سجائی نہیں دیتا، درے کے درے رہ جاتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں آتی چیزیں. ان دنیا کی چیزوں کو بھی مؤثر بنانے والا صرف اللہ رب العزت. اس ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اس آخری عشرہ کے اندر اس تجدید کو کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، اور پھر یہی نہیں ڈوبتے رہنا کہ پتہ نہیں آج جو ہے وہ رات ہے یا نہیں، اسی تلاش میں رہتے ہیں. اور اللہ کے بندو، تمہیں کہاں رات کا پتہ چل سکتا ہے؟ کبھی اس تعلق کو قائم تو کر کے دیکھو جس سے پھر بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جس سے پھر رابطہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، پھر دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ اس وقت گھڑی کیسی ہے. اس بندہ مومن کو پتا ہوتا ہے اور اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، بندہ آواز نکالتا ہے، خدا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرے قرب کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. میں تو اس کا بننا چاہتا ہوں، وہ میں اس کے جستجو دیکھتا ہوں، کتنا وہ تلاش کرتا ہے مجھے، میری خواہش اس کی جو ہے وہ خواہش کے اندر میں کہاں ہوں. میری تو خواہش ہے، میں تو اس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں. اس دنیا میں کوئی ماں اپنے باپ اپنے بیٹے کو، کوئی باپ اپنی اولاد کو وہ آگ میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، برداشت نہیں کرتا. اور ان ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان خدا وہ کیسے چاہے گا؟ اب بدنصیبی کیا ہے، یہ دنیا کے لوگ جو ہیں یہ ناانصافی کرتے ہیں، اللہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ حاکم ہے، عادل حاکم ہے، جو جس جگہ پر چیز کو رکھنا چاہتا ہے وہ چیز ہوتی ہی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں ہی رکھے. اس لیے اللہ کے فیصلے پھر عدل و انصاف کے مطابق ہوتے ہیں، نظام اس طرح قائم کیا ہے. اس عدل و انصاف کے اندر جب طلب بڑھتی ہے تو اس کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کہ آنے والے کو اس کی پہلی زندگی کے حوالے سے اللہ قلم پھیر دیتا ہے، تو بھٹکا ہوا میرے پاس آ گیا ہے، تیرے اخلاص کی وجہ سے تیری زندگی کی ساری برائیوں کو میں خود نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کون مانے کیسا ہے؟ ساری دنیا کی خطائیں غلطیاں جو ہیں ان سے درگزر کر لے کہ جو کچھ ہو گیا ہے ایک دفعہ معاف کر دو، دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آج کی رات تو آ جا، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، اور 27ویں رات ہے، چلو آج ہی آ جاؤ، کبھی آؤ تو صحیح. احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری عشرہ کے اندر ترتیب ہی حضور نے ایسی رکھی ہے، فی لیلۃ تاسعۃ تبقى، فی سابعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 30 دن ہو تو پھر تاک کی بھی ضرورت نہیں رہتی، پھر جفت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ راتوں کو جو ہے وہ لیلۃ القدر بنا دیتا ہے. دیکھ لیں الفاظ ہی ایسے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ آخری عشرہ کے اندر صرف تاک راتوں پر اکتفا نہ کرو، باقی راتوں کو بھی قیام کرو، کم از کم باجماعت قیام جو ہے اس کا اہتمام تو کرو. اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور پھر سنتے بھی رہتے ہیں آپ، مگر یہ لمحات، یہ کہی ہوئی باتیں، یہ سنے ہوئے اقوال، ان کو محفوظ کرنے ہیں اور عمل کے لیے ارادہ کرنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہنا ہے کہ یا اللہ جو کچھ ہو گیا اس کو معاف کر دے، لیکن آئندہ ہم تیرے بن کر رہیں گے. اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر یہ جو رمضان لایا ہے، آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی برکات کو حاصل کر سکیں، اس کے فضائل کو پا سکیں، ان مہربانیوں اور نوازشوں کے حقدار بن جائیں جو آسمان سے تو نے نازل کی ہیں اور نازل کرے گا. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس آنے والی یہ جو وبا اور مصیبت ہمارے سروں پر منڈوائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں کہ آج ہماری نمازیں سنت کے مطابق نہیں رہی، مگر اس سے لڑو نہیں، اس سے جھگڑو نہیں، یہ بھی اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ ایسی مصیبت کے بعد بھی تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو یا نہیں، پھر بھی لڑ رہے ہیں، پھر بھی جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اور چدراہٹ پیدا کی جا رہی ہے کہ میری جگہ یہاں ہونی چاہیے، تو پیچھے کھڑا ہو. اور خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائیو، ان اللہ کے گھروں کو اپنی انا کا ذریعہ مت بناؤ. جب اللہ کے گھر جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، پھر وبائیں آئیں گی، پھر مصیبتیں ٹلا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر آدیوں سمودیوں بڑی بڑی زور آور اور قوت والی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا، تلپٹ کر دیا ایک ہی رات کے اندر، جو
अल्लाह की बगावत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ये तो एहसान है उस मालिक का, ये तो मेहरबानी है इस उम्मत पर कि अल्लाह ताला मिनहेजुल कौम पूरी उम्मत को जो है वो तबाह और हलाक नहीं करेगा, वरना हमारी करतूतें इसी तरह है कि शायद अल्लाह ताला हमें बर्बाद कर दे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ये जो मेहरबानी इस उम्मत पर हुई है, अब जिस आजमाइश में हम मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह अपने फजल और मेहरबानी के साथ इस आजमाइश में हमें कामयाब फरमा, ये मुसीबत टाल दे। اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا الله اس طرح ہمیں ہلاک نہ کرنا اس طرح کے فیصلے نہ کرنا بلکہ ہمیں معاف کر کے اس دنیا سے اٹھانا اس جہان سے جب ہم جائیں تو تیری عافیت کے اندر رہیں تو معاف کرنے والا ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین محسنہ کائنات جو ہے اس نے پوچھ لیا، انہی کو پوچھنا چاہیے تھا، ان کی طلب ہی اس طرح کی ہوتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ای لیلۃ لیلۃ القدر میری زندگی کے اندر شب قدر آ جائے میں کیا کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کی خاتون ہیں کچھ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، خزانے جو ہیں وہ اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، وہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بڑی جانیت کے ساتھ کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شب قدر میں تو بیدار ہو، تیری زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، قولی اللہم انک عفو کریم، یا اللہ تو معافی دینے والا نہیں، خود معافی ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے یہ عادل نہیں، خود عدل ہے، مجسمہ عدل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں، آپ خود معافی ہے، اللہم انک عفو اور کریم، پھر معافی کے ساتھ ساتھ تیری سخاوتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو بڑا سخی ہے، تو حب العفو، تو بندوں سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہے کہ بندے ایک دوسرے سے درگزر کرے۔ دیکھو اللہ کیا سکھا رہا ہے، یہ راتوں کو پانے والا درگزر کرو، غصے پر کنٹرول کرو، ضبط دکھاؤ، تو حب العفو، اللہ اس عفو کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ جو ہے وہ عفو نہ کرے، اللہ نہ معاف کرے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک جھلک دکھائی ہے وبا کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور اگر عافیت اللہ ہٹا لے ہم سے اور غضب نازل ہو جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا تصور تو کر کے دیکھو۔ اس لیے فرمایا عائشہ، جب یہ رات آئے، قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو عفو کو پسند کرتا ہے، لہذا وہ عفو کن کے لیے؟ فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم فاعف عنا، یہ دعائیں جو ہیں یہ اللہ سے عافیت طلب کرنی ہے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ جو ہمارے حق میں ہے بہتر ہے وہ فیصلہ کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو ٹال لے، یعنی اپنی جناب میں لے لے، اپنی جناب میں ہمیں لے لے، دوسروں کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھنے کی اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے آخری اشرف اس طرح بنا دے جس طرح تو پسند کرتا ہے، یا اللہ تیری رضا کے حصول کے لیے ہم وہ کچھ کر گزرے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا بھی ہماری ہو جائے اور آخرت میں ہم اس کے حقدار بن جائیں کہ جو تو نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔